नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज बात करेंगे स्टेट यानी कि इंडिया, भारत और उसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में। भारत एक देश है, ऑल एनकम्पासिंग। उसके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप जुडिशरी आप ले लीजिए, प्रेस भी आप एक इंस्टीट्यूशन मान सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी पर से इंस्टीट्यूशंस को मैन करने का एक टूल होता है। उसके अलावा आरबीआई ले लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इन इंस्टीट्यूशंस की एक सेंटिटी होती है, इनका एक रोल होता है, डेफिनेट रोल होता है। स्टेट ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया ऑल एंड कंपासिंग, लेकिन इंस्टीट्यूशंस भी अल्टीमेटली हु मैनते हैं? ब्यूरोक्रेट्स, इंडिविजुअल्स जिनके अपने कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं, पर्सनल एम्बिशंस होती हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पावरफुल हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो स्टेट के इंटरेस्ट को देखने के बजाय अपने इंटरेस्ट को देखना शुरू कर देते हैं। स्टेट का इंटरेस्ट जो भी हो, वी आर नॉट बॉदर्ड, एज फार एज वी आर कंसर्न, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी सेफ, साउंड, रोबस्ट, इवन एट द कॉस्ट ऑफ नेशन। अब यही बात एक्चुअली एक किताब आई है, जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे सुभाष गर्ग, उन्होंने किताब लिखी है कि वी आल्सो मेक पॉलिसी। इस किताब में उन्होंने मेंशन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जब उनके गवर्नर उर्जित पटेल हुआ करते थे, जब उर्जित पटेल अपॉइंट हुए थे, आपको मालूम होगा रघुराम राजन के बाद। रघुराम राजन की भी यही प्रॉब्लम थी एक्चुअली, कि इंस्टीट्यूशन को, इनफैक्ट उनका तो इशू ये था कि एज ए इंडिविजुअल प्रॉब्ली ही वांटेड टू बी पावरफुल। उर्जित पटेल का शायद ये इशू नहीं था, बट साइमल्टेनियसली ही वॉज लुकिंग एट ए सिचुएशन वेयर आरबीआई इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स, और प्रॉब्ली जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आफ्टर ऑल जो आरबीआई होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी से डील करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंट्री की इकोनॉमी को साउंड रखने में। आरबीआई के रोल को अगर आप देखें, तो माय पर्सनल ओपिनियन इज के उनका रोल एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी ऊपर आ जाता है, बिकॉज वो कई ऐसी चीजें रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कि अगर वो ढंग से अपना काम ना करें तो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो शैम्बल्स में चली जाएगी। तो ये ऑफ कोर्स आरबीआई का रोल है, ये या कोई भी सेंट्रल बैंक हो किसी भी कंट्री में, उसका ये रोल है। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसी है एज पर सुभाष गर्ग, कि इसमें उर्जित पटेल ने आरबीआई के रोल को इस तरीके से परसीव किया कि नेशन का जो इंटरेस्ट है, नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट या इंडिया में इकोनॉमी की जो हालत है, उससे आरबीआई का बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं। इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट एंड इट हैज टू प्रोटेक्ट इट्स ओन रोल। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रोबली ही वॉज नॉट बॉदर्ड, यही उन्होंने इस किताब में लिखा है। तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जिसको मैं कोट कर देता हूं। तो ये दिन था 14 सितंबर 2018, आपको याद है उन दिनों क्या हो रहा था? कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो सैंबल्स में थी, कोविड ने क्रिपल कर रखी थी हमारी इकोनॉमी, इनफैक्ट वी वर जस्ट नॉट मूविंग। तो ऑफ कोर्स एक मीटिंग हुई जिसमें आरबीआई के गवर्नर, उनके डिप्टी गवर्नर्स, ब्यूरोक्रेट्स, फाइनेंस मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर पीयूष गोयल और प्राइम मिनिस्टर के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो ये सब लोग उस मीटिंग में थे। और आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने एक प्रेजेंटेशन दिया, और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि कंट्री की अगर आपको इकोनॉमी सुधारनी है तो आपको ये स्टेप लेने पड़े। तो उन्होंने सारे स्टेप प्रधानमंत्री के सामने गिना दिए, मतलब आप समझ सकते हैं ये जो प्रेजेंटेशन है करीब 1.5 से 2 घंटे के बीच में चला। ऑफ कोर्स जो सॉल्यूशन उन्होंने सजेस्ट किया, उस सॉल्यूशंस में गवर्नमेंट को क्या करना है कंट्री की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स गिनाए। अब आरबीआई को क्या करना है इसके बारे में उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो उसके बाद जो क्वेश्चन हुआ वो ये हुआ कि आरबीआई के पास जो कैपिटल होता है, एक रिटेन्ड कैपिटल जिसको बोलते हैं, इसको आप एक्यूमुलेटेड रिजर्व भी बोल सकते हैं, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई के पास जमा हो जाता है।
तो उर्जित पटेल ने जो भी स्टेप्स गिनाए वो सब गवर्नमेंट को करने थे, और साथ में उन्होंने ऐसा एक इंप्रेशन दिया कि आरबीआई वाज नॉट ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन, और आरबीआई के पास एक्चुअली कोई भी ऑप्शन नहीं है, दैट इज व्हाट इंप्रेशन ही गेव। और इस बात पे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी बहुत नाराज हुए, और उन्होंने कहा, एक्चुअली ही मेंशन्ड, ही वॉज वेरी एंग्री, और उन्होंने उर्जित पटेल के बारे में कहा कि ही सिटिंग लाइक ए स्नेक ऑन टॉप ऑफ द सरप्लस, जो कैश सरप्लस है उसके पास रिटेन्ड कैपिटल या एक्यूमुलेटेड रिजर्व है उसके ऊपर वो सांप की तरह बैठे हैं, यानी कि उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और साथ में ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि आरबीआई उसको यूज नहीं कर सकता कंट्री को देने के लिए, और जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके लिए जो जो स्टेप्स लेने हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट ने लेने हैं, आरबीआई आइदर इट इज नॉट बॉदर्ड और इट वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू डू एनीथिंग। एंड ऑब्वियसली फिर मोदी जी काफी नाराज हुए, और उन्होंने उसकी जो तुलना है उर्जित पटेल जी की एक सांप से कर दी। सुभाष गर्ग ने, जो फाइनेंस सेक्रेटरी उस मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को इतना नाराज, इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। इनफैक्ट पर्सनली आप मेरे से पूछो तो जो मेरा इंप्रेशन है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसमें यह है कि अगर ब्यूरोक्रेसी को ढंग से हैंडल करना है तो ये सीखना आपको मोदी जी से पड़ेगा। और यहां पे मोदी जी नाराज हुए तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्रेशर में होंगे, कितने टेंशन में होंगे, कितने स्ट्रेस में होंगे मोदी जी कंट्री की इकोनॉमी को लेके। और जहां तक उर्जित पटेल की बात थी, उर्जित पटेल वाज प्रोटेक्टिंग द टर्फ ऑफ आरबीआई कि हम कुछ नहीं कर सकते, और ये ही प्रॉब्लम मैं एक्चुअली आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अभी आप जुडिशरी को ले लीजिए, आजकल वो चर्चा में रहती है, सुप्रीम कोर्ट भी चर्चा में रहता है अपने डिसीजंस के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए, ऐसे ऐसे टॉपिक पिकअप करने के लिए जो प्रॉब्ली लोगों की प्रायोरिटी में नहीं होते उनकी प्रायोरिटी में होते, जैसे आर्टिकल 370 लोगों की प्रायोरिटी में कहाँ है, वो 2019 का इशू है, एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको डिस्कस में डिस्कस किए जा रहा है। चलो हो सकता है उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो या ऐसी कोई कंपल्सन हो जिसकी वजह से वो उसको डिस्कस करना चाहते हैं, चलो वी गिव इट टू हिम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट मैटर। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इंस्टीट्यूशंस को नेशनल इंटरेस्ट में दे हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, और यही बात आरबीआई पे एप्लीकेबल होती है। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट आरबीआई शुड नॉट हैव द ऑटोनॉमी और द इंडिपेंडेंस ऑफ वर्किंग, प्लीज, दैट इज नॉट माई इंटेंशन, बट द पॉइंट इज इफ एंटायर नेशन इज स्ट्रगलिंग एंड इकोनॉमिक सिचुएशन आपको मालूम है सितंबर 2018 में कैसी थी, उस टाइम पे आरबीआई को भी ओवरबोर्ड जाना पड़ेगा, समवन हैज टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू एग्जर्ट इटसेल्फ इन नेशनल इंटरेस्ट, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कैसे काम होगा, कौन स्ट्रेस लेगा। और एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी हैज टू लुक आफ्टर सो मेनी थिंग्स, ही जस्ट कैन नॉट से दैट आई विल बी द ओनली वन हु विल एग्जर्ट एंड नोबडी एल्स विल एग्जर्ट, हाउ दैट इज पॉसिबल, कंट्री को आप कैसे लीड करेंगे। और यही बात इंस्टीट्यूशंस पे लागू होती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कई बार आपको लगेगा, मैंने पहले भी मेंशन किया, सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो या फिर सीबीआई ईडी, सीबीआई ईडी तो इन एनी केस मतलब आजकल न्यूज में है ही, बट ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस दे हैव टू वर्क इन टैंडम इन नेशनल इंटरेस्ट, उसमें जो भी उनको मैन कर रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, चाहे वो जजेस कर रहे हैं, दे हैव टू कीप दिस इन माइंड, दैट इज ऑल माई पॉइंट इज। और कंट्री तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल इंटरेस्ट में अलाइन नहीं हो। इनका खुद का इंटरेस्ट मैं मानता हूं, ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, बट दैट हैज टू बी इन अलाइनमेंट विद नेशनल इंटरेस्ट। तो टोटल जो सरप्लस था ये आरबीआई के पास, इसकी टोटल वैल्यू थी 44,200 करोड़, इसमें से उन्होंने, ऑफ कोर्स ये 16-17 के फाइनेंशियल ईयर का था, इसमें से उन्होंने कहा कि जो
13,400 करोड़ है वो आरबीआई रिटेन करना चाहता है, और बाकी 30,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट को दे देंगे। एंड ऑब्वियसली 13,400 करोड़ का क्या करेंगे वो, आई एम नॉट डिबेटिंग दैट पॉइंट, ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बट द पॉइंट इज कि व्हेन कंट्रीज इकोनॉमी इज इन टू ट्रबल एंड यू नीड आरबीआई सपोर्ट, उस टाइम पे आरबीआई हैज टू मूव फॉरवर्ड, इट हैज टू गो ओवर बोर्ड। एंड सेम इशू सुभाष गर्ग हैज मेंशनड अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स, एंड ऑफ कोर्स जो लोन डिफॉल्टर्स और जो जो कंपनी जो पे नहीं करती लोन उनको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस की थी उस टाइम पे, समहाउ मोर और लेस आरबीआई वाज नॉट इन अलाइनमेंट, और प्रॉब्ली गवर्नमेंट हैज टू पुट द प्रेशर ऑन इट। अगेन माय पॉइंट कम्स टू द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, इंस्टीट्यूशंस हैव टू बी इन अलाइनमेंट विद नेशनल इंटरेस्ट, एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट, जब तक ये तीनों एक अलाइनमेंट में नहीं होंगे कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकते, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और जो अपोजिशन पार्टीज हैं अगर वो ये कहती हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हो गए, इंस्टीट्यूशन को काम नहीं करने दे रहे, बहुत बड़ा पॉइंट है उनका ये। और ऑफ कोर्स राहुल गांधी तो जब यूके जाते हैं, नॉर्वे जाते हैं या यूएसए जाते हैं तो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दिस अलाइनमेंट। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड।